हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है healthining.com। और फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी किडनी रोगियों के लिए, तो कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। किडनी में इन्फेक्शन लग जाने के बाद खाने पीने में बहुत ज्यादा बदलाव करने पड़ते हैं और एक सीमित मात्रा में एक अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको त्याग देना पड़ता है किडनी रोगों में। तो आज मैं आपके लिए ऐसा एक फल लेकर के आया हूं जो फल आपके किडनी रोगों में आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। और ये फल इतना अच्छा है और इसके अंदर इतने सारे विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं कि इसको एक किडनी रोगी को जरूर खाना चाहिए। क्योंकि जब किडनी में कोई इन्फेक्शन लग जाता है तो किडनी अपना कार्य सही से नहीं कर पा रही होती है, तो ऐसे में बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा होने लग जाता है और किडनी आपकी बहुत ज्यादा यूरिन से प्रोटीन बाहर निकाल रही होती है। तो ऐसे में आपको ये फल बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रॉबेरी के बारे में। फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल सहतूत के फल की तरह होता है। अगर आपने सहतूत का फल देखा हो या आपने खाया हो तो आप लोग जानते ही होंगे कि सहतूत का फल कितना स्वादिष्ट होता है। और वैसे ही सेम स्ट्रॉबेरी का भी जो टेस्ट होता है वो सैतूत के फल की तरह ही होता है। फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन B9 बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके टिश्यू के निर्माण के लिए और आपके डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। और फ्रेंड, जो स्ट्रॉबेरी होता है इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो कि बिल्कुल भी सोडियम नहीं पाया जाता है। सोडियम की मात्रा इसमें ना के बराबर होती है। तो चलिए जान लेते हैं स्ट्रॉबेरी में क्या क्या मिनरल्स, क्या क्या विटामिन्स और इसको खाने से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी खाने से जो आपका ब्लड का LDL लेवल होता है वो घटने लग जाता है और ब्लड के अंदर HDL लेवल बढ़ने लग जाता है। HDL लेवल एक तरीके का गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी के अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो आपके लीवर के लिए और आपकी आंतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे आपका मल भी सुबह साफ करके आता है और आपको फाइबर भी अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी में 91% पानी होता है और फ्रेंड इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी बहुत कम होती है और इसमें फास्फोरस भी कम मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो इससे आपको 32 ग्राम कैलोरी मिलती है और फ्रेंड इससे आपको प्रोटीन 0.7 ग्राम मिलता है और आपको कार्बोहाइड्रेट 7.7 ग्राम मिलता है। और फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी में जो शुगर की मात्रा होती है वो 4.9 ग्राम होती है 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में। और फ्रेंड, इसमें फाइबर जो पाया जाता है वो 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में 2 ग्राम फाइबर पाया जाता है। और फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी में जो फैट की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो जो इसमें फैट पाया जाता है वो 0.3 ग्राम के आसपास होता है। और फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी जो होता है वो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो ऐसे में आपके जो आपके शरीर में कहीं भी स्वेलिंग आ रही है या आपकी किडनी में इन्फ्लामेशन चल रहा है या आपके लीवर में इन्फ्लामेशन चल रहा है या आपकी बॉडी के किसी और पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो स्ट्रॉबेरी आपकी बहुत अधिक मात्रा में सहायता कर सकता है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर और ये एंटी इन्फ्लामेशन कार्य करता है, तो इसलिए हर किडनी रोगी को स्ट्रॉबेरी खानी चाहिए। अब बात करते हैं कि कितनी स्ट्रॉबेरी किडनी रोगी खा सकता है। तो वैसे आप 70 से 80 ग्राम स्ट्रॉबेरी पर डे भी खा सकते हैं। अगर आप 100 ग्राम भी स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा फ्रेंड, जो स्ट्रॉबेरी होता है वो आपके ब्लड प्रेशर लेवल को भी मेंटेन करता है। आपका BP अगर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आपको स्ट्रॉबेरी डेली खाना चाहिए। इससे आपका BP नॉर्मल रहता है क्योंकि आपके बॉडी से LDL लेवल घटने लग जाता है और HDL लेवल बढ़ने लग जाता है, तो जिसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल धीरे धीरे होने लग जाता है। तो फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी एक तरीके का अमृत है और आप इसको खाते रहें, इसको बिल्कुल भी खाना ना छोड़ें।
और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। पका हुआ स्ट्रॉबेरी ले, कच्चा स्ट्रॉबेरी लेंगे तो खट्टा होगा शहतूत की तरह, और पका हुआ स्ट्रॉबेरी लेंगे तो इसका टेस्ट सेम शहतूत की तरह होता है, बिल्कुल मीठा। तो फ्रेंड स्ट्रॉबेरी आप लोग जरूर खाएं। और फ्रेंड अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और फ्रेंड आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड मैं काफ़ी दिनों से डाइट सीरीज लाने की सोच रहा हूँ, बट मेरे पास फंडिंग नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। आपको मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप मुझे दान कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।